दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपसे एनडीए के फॉर्म के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है और अब आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। यूपीएससी एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की प्रोसेस देखने के लिए हमें सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा जो जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है एनडीए का, उसमें जाना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर formjankari.com वेबसाइट पर आ चुका हूँ और इसमें मैंने यूपीएससी एनडीए सेकंड एग्जामिनेशन 2022 का पेज ओपन कर लिया है। इस पेज में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएंगी और पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यूपीएससी एनडीए के नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके सामने क्लिक कर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अभी हम इसमें फर्स्ट नंबर पेज पर है, टोटल यहाँ पर 98 पेज है, हमें अब इसमें 9 नंबर पेज पर जाना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 9 नंबर पेज पर आ चुके हैं। इसमें नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। इसमें हमें नोट नंबर 1 को पढ़ना है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेंट्स को एडवाइस दी जा रही है कि आपको केवल सिंगल एप्लीकेशन को ही सबमिट करना है, मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। हाउएवर इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन इफ ही सबमिट्स अनदर और मल्टीपल एप्लीकेशन देन ही मस्ट इंश्योर दैट एप्लीकेशन विद द हायर आरआईडी इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स लाइक एप्लीकेंट्स डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, फी ईटीसी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां पर एप्लीकेंट अपनी मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देता है, तो जो हाईएस्ट आरआईडी नंबर होगा, मतलब हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जो कि सभी रेस्पेक्ट में, मतलब उसमें एप्लीकेंट अपनी डिटेल्स भी फिल कर देगा, एग्जाम सेंटर को भी सिलेक्ट कर लेगा, फोटो सिग्नेचर और फोटो आईडी डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देगा और साथ ही अपनी फीस को भी दोबारा से पे कर देगा। तो ऐसे आरआईडी नंबर का क्या होगा उसको देख लेते हैं। द एप्लीकेंट्स हु आर सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट ओनली द एप्लीकेशन विद हाईएस्ट आरआईडी रजिस्ट्रेशन आईडी शुड बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन एंड फी पेड अगेंस्ट वन आरआईडी शुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर आरआईडी। तो अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो अपना मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर भी लेता है और मल्टीपल आरआईडी जनरेट हो जाती है उसकी, तो जो हाईएस्ट आरआईडी नंबर होगा, मतलब हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसको ही मान किया जाएगा। अगर उसके सभी रेस्पेक्ट कंप्लीट हुए, उसकी डिटेल कंप्लीट हुई, एग्जाम सेंटर फिल हुआ, फोटो सिग्नेचर, फोटो आईडी कार्ड अपलोड हो गया और फीस भी पेमेंट हो गई, तो उसी को मान किया जाएगा। बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर आप वहां पर मल्टीपल फीस भी पेमेंट कर देते हैं, मतलब हर एक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पेमेंट कर देते हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म की आपने फीस पेमेंट की होगी, उसकी ना तो फीस रिफंड की जाएगी, ना ही उसकी फीस दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म में एडजस्ट की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो यही इसकी प्रोसेस रहने वाली है। आपको अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर देना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस आपको एक चेंज मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। जब आप सेकंड पेज के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ऊपरी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से फिल करना चाहते हैं, आपको उसमें यस कर देना है। और जिस तरीके से आप अपना नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको दोबारा से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए कोई अलग से पेज नहीं दिया हुआ है। सेम जिस तरीके से आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसी तरीके से उसी प्रोसेस से आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है दोबारा से और उसकी पेमेंट भी कटा देनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट हो, आप एग्जाम सेंटर को भी चुन लें, फोटो सिग्नेचर और फोटो आईडी को भी अपलोड करते हैं, और अगर आपकी फीस पेमेंट होती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो आपको फीस भी दोबारा से पेमेंट करनी होगी। जब आप इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे और अपना नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लेंगे, तो जो हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होगा वही आपका मान किया जाएगा, बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होंगे वह निरस्त कर दिए जाएंगे। तो भैया, अब आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने यूपीएससी एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। यही सिंपल सा प्रोसीजर है करेक्शन का। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसको फॉलो करते हुए आप भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। अब अगर आप यूपीएससी एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो सिग्नेचर और फोटो आईडी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप नीचे वाली वीडियो को देख सकते हैं।